गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड सेफ। सो गाइस, यहाँ सुबह की शुरुआत हो चुकी है। टुडे इज़ मंडे और यहाँ ये पनीर है और यहाँ मैं बना रही हूँ साहिबा का स्कूल लंच। तो यहाँ मैंने पनीर को मैश कर लिया है, उसमें अनियन मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है चिली फ्लेक्स एंड लाल मिर्च पाउडर, सम ऑर्गेनो, लाल मिर्च पाउडर एंड सम सॉल्ट, सो दैट इसको मैं मिक्स कर लूँगी गाइस। और मिक्स करके इसका एक अच्छा सा परफेक्ट मिक्सचर बना लूँगी एक, और इन लोगों के लिए लंच का वो प्रिपरेशन हो जाएगी स्कूल लंच का। ये दो पेड़े मैंने बना लिए हैं, इधर एप्पल है एंड एक पेड़ा मैं इसमें से लूँगी गाइस। सो गाइस, यहाँ मैंने पनीर का पराठे की प्रिपरेशन करी है। सो गाइस, यहाँ मैंने क्रिस्पी सा पराठा उतार लिया है और इधर मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा है, इधर चाय का पानी रख दिया है और उसमें सम अदरक मिला दिया है एंड यहाँ पे हमने लाल चीनी मिक्स कर दी है एंड थोड़ी सी हम डालेंगे चाय पत्ती। तो इधर हमारी चाय बॉईल होगी चुकी है तो मैं इसमें दूध मिला रही हूँ चाय में गाइस। सो यहाँ मेरा दूध चाय में मैंने डाल दिया है और इधर चाय बॉईल हो रही है
तो ये थी मॉर्निंग का टी टाइम। सो चाय इधर बॉईल हो चुकी है और इधर दूध भी बॉईल हो रहा है। सो इधर मैंने साहिबा के लिए दूध रेडी कर दिया है ग्लास में और सम्स दूध में मैंने चीनी डालनी है गाइस, और इसमें थोड़ी सी डाल दूंगी मैं हल्दी। सुबह ठंडा मौसम होने लगा है इसलिए मैंने अब हल्दी डालना स्टार्ट कर दिया है सुबह के दूध में। ये मौसम में चेंजेस हो रहे हैं, खांसी जुकाम से बचेगा बच्चा मेरा। सो इधर गाइस मैंने हल्दी वाला दूध और एप्पल रेडी कर लिए थे बिटिया के लिए सुबह लंच करके ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए सॉरी। सो तो गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए, साहिबा को स्कूल छोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ अब घर से बाहर। हम लोग जा रहे हैं बाहर, बस आएगी रोड पर। सो हम यहाँ आके बैठ जाते हैं, हमारा डेली का काम यही है रूटीन सुबह मॉर्निंग का कि हम यहाँ बैठते हैं और साहिबा स्कूल जा चुकी है। एंड इधर आके मैंने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए। ये मैं स्टोर करके रख दूंगी इसलिए मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं गाइस। सो गाइस यहाँ मैंने ये दाल ले ली है उड़द धुली, ये उड़द धुली दाल है, इसे मैं वॉश कर लूंगी और लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड सो इसको मैं धो लूंगी, वॉश कर लूंगी गाइस अच्छे से पानी से। तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ पानी डालकर, और इधर गैस पे मैंने कुकर में भी पानी डाल के रखना है। सो एक दो तीन बार और धोऊंगी मैं दाल को उसको। इधर मैंने गैस पे रख दिया था पानी गाइस, तो यहाँ मैंने दाल डाल दी है और अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर
और सॉल्ट। एंड अब हम इसमें लगा दूंगी प्रेशर। तो यहाँ रखे हैं मेरे दोनों कुकर और इधर मैंने चावल बॉईल करने के लिए भिगो रही हूँ गाइस। तो ये रहेगा आज हमारे दिन का लंच। तो मैं अभी प्रिपरेशन कर दूंगी। और इधर आ गई थी मैं नहा धो के पूजा करने मंदिर में गाइस। तो यहाँ मैंने सुबह की पूजा कर ली है आज मंडे की। और मैं पूजा करने के बाद, मैंने कपूर जलाने के बाद यहाँ पे घर की धुनी लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने रख दिया है उपला कंडा। कंडे पे फिर हमारे डेली का रूटीन जैसा कि है, यहाँ मैं डालूंगी देसी घी और देसी खांड डालूंगी मैं इसमें। यहाँ मैंने देसी खांड डाल के घर में धुनी लगा दी है गाइस। चलते हैं धुनी लगाने के लिए अब। सारे घर में धुनी लगा के साहिबा स्कूल गई है। और ये देखिएगा अभी शैतान सो रहा है, ये नींद नहीं कर रहा है मेरा बच्चा। और इधर मैं आ गई हूँ पूरे घर में धुनी लगाते हुए बाहर चौखट पे, मैं रख दूँगी इसे। दोबारा से मैं यहाँ से निकलते हुए आई हूँ गाइस। एंड बाहर वाले रूम में भी, किचन में भी, सब जगह मैं धुनी लगा दूंगी अच्छे से। यहाँ लाइट ऑफ कर ऑन करके मैंने इस वाले रूम में भी धुनी लगाई। यहाँ राधा कृष्ण जी के यहाँ भी धुनी लगा के फिर मैं इसको रख दूंगी गाइस बाहर। ये था मेरा सुबह का रूटीन गाइस। एंड गॉड गेट मैं लॉक कर लूँगी अब। और आ गई हूँ अपनी चाय पीने के लिए गाइस। तो ये बीज है, ड्राई फ्रूट्स हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, बेरीज और कुछ बीज हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड सो गाइस, इधर मेरी दाल बॉईल हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी, ऑयल को पकाऊँगी। जैसे महक जो आती है उसको मैं कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसमें डालती हूँ सॉल्ट। तो सो दैट मैं इसमें अब सॉल्ट ऐड कर दूंगी ताकि जिससे ऑयल पक जाएगा मेरा। और इसमें अब फिर मैं डाल दिया हींग थोड़ी सी। हींग डालने के बाद गाइस इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, लौंग, काली मिर्च। एंड अब इसके अंदर हम जीरा भून जाएगा तो ये कट करी हुई मैंने डाल दिया हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने टमाटर और ये ऐड कर दिए हैं हरी मिर्च। एंड अब लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर देंगे एंड सम सॉल्ट एंड धनिया पाउडर। सो दैट अब उसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से मैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी अपने मसाले को गाइस। इतने हम इसको स्लो फ्लेम पे भूनते हैं। नमस्ते। तो यहाँ मेरा मसाला भून चुका है गाइस। अच्छे से इसमें ऑयल आ चुका है एंड अब मैं इसको मसाले को अपने ही कुकर में डाल दूंगी जो मेरी दाल है उसके अंदर गाइस।
सो बाकी मसाला मैं कड़छी से इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ गाइस। ये मेरी दाल रेडी हो चुकी है, अब इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। सो कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर एंड हमारी दाल रेडी हो चुकी है गाइस। सो कुछ आज समथिंग स्पेशल था, इधर मैंने वॉश होने के लिए कपड़े मशीन ऑन कर दी थी, टाइमर लगा दिया था। तो यहाँ मैंने ये बीट रूट ली है गाइस, और बीट रूट को मैं इससे कद्दूकस करके मैंने इसका रस निकाल लिया था, और इसको मैंने ना पका लिया है गाइस। रस को थोड़ा सा ही चाहिए था मुझे ये रस। सो यहाँ पर इधर मैंने रखा है पैन गैस पर, और यहाँ मिलाया है एक कप दूध, और एक कप दूध मिलाने के बाद इसके अंदर मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा दूध और ऐड करूंगी इसके अंदर मैं। और यहाँ मिलाई है मैंने 200 ग्राम चीनी ली थी मैंने, तो 200 ग्राम चीनी में से हाफ चीनी मैंने इसके अंदर मिलाई है दूध के अंदर। और आज मैं बनाने वाली हूँ नारियल की बर्फ़ी गाइस। तो मैंने यहाँ पे चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, एंड इधर मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी थी गाइस। तो मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है नारियल का चूरा, और इसको अच्छे से मैं भूनूंगी गाइस। हल्का हल्का सा, हमें इसको जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का हल्का सा गर्म करना है बस इसको। सो इसके अंदर मैं इसको अच्छे से मैं भून लूँगी गाइस, और इसमें भी थोड़ा सा मैंने बूरा मिला दिया है। जैसे 200 ग्राम बूरा, तो मैंने 100 ग्राम बूरा इसके अंदर मिक्स किया है गाइस। तो अच्छे से हम इसको भून लेंगे, हल्का हल्का सा गरम कर लेंगे कढ़ाई में। सो गाइस इसको मैंने ऐसे कर लेना है गरम, और एंड सो गाइस इधर मेरा दूध बॉईल हो चुका था, और यहाँ पे मेरा जो था नारियल का चूरा वो भी रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने मिला दिया दूध में थोड़ा सा दूध का पाउडर, और जिससे कि थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। तो यानी कि एक कप दूध है, तो मुझे इसको आधा कर लेना है। सो गाइस यहाँ मेरा दूध बॉयल हो चुका था, इधर मैंने गैस पे चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे लंच की जैसे प्रिपरेशन है। एंड इधर मेरा नारियल का जो वो था चूरा वो थोड़ा सा गर्म हो गया, तो इसके अंदर मैंने दूध मिक्स कर दिया जो दूध मैंने पकाया था गाइस। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे, अच्छा इसको थिक कर लेंगे हम ना, कि इसके अंदर ये सॉफ्ट हो जाए। और इसके अंदर मैं एक चम्मच देसी घी मिला दूंगी गाइस, जिसके अंदर इससे इसके अंदर एक चिकना बन रहेगा। तो थोड़ा सा दूध मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। और ये देखिए कैसा थिक हो गया है ये। तो ये हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी, बाज़ार से भी अच्छी बर्फ़ी बनेगी, और हेल्दी एंड सेफ। यहाँ मैंने एक चम्मच इसके अंदर देसी घी मिला लिया है गाइस। मेरे पास मलाई नहीं थी, आप मलाई डाल सकते हैं डालना चाहें तो, मेरे पास मलाई अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसके अंदर देसी घी मिला लिया ताकि इसके अंदर एक चिकनाहट रहेगी। सो
अच्छे से मैं इसको इस तरीके से भून लूँगी गाइस स्लो फ्लेम पर और गैस बंद कर दूँगी गाइस मैं इसमें। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे से मैंने इसे भून लिया है गाइस। सो इधर मैं इसको घी अपनी स्ट्रे में घी लगाऊंगी गार्निश के लिए, प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर इसको घी लगा दिया है थोड़ा सा हल्का हल्का सा। एंड सो गाइस इधर हम मैं करूँगी प्लेटिंग अब। तो प्लेटिंग के लिए मैंने ये छोटी सी ट्रे ली है एंड इस पर मैं लगाऊँगी थोड़ा देसी घी। तो घी लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें लगा दी है बर्फ़ी चुका जो वाइट मेरा ये पार्ट है नारियल की। तो मैंने इसको पहले इसकी एक लेयर लगाई है क्योंकि मुझे इसको कलर देना है, तो डबल ग्रीनिंग में करना है मुझे। सो तो ये कुछ पार्ट जो बचा है इसके अंदर मैं बीट रूट का जो मैंने रस बनाया था गाढ़ा किया था, तो यहाँ मैंने बीट रूट का रस मिलाया, आप एसेंस भी मिला सकते हैं। सो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी गाइस, इसमें पिंक कलर आ जाएगा, कितना अच्छा कलर आ रहा है ये, मुझे पिंक कलर पसंद है इसलिए मैंने पिंक कलर मिलाया के लिए बीट रूट यूज़ किया है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए कलर। एंड अब इसको मैं अच्छे से मैं इसको चला लूँगी और मिक्स कर लूँगी गाइस। एंड हमारा मिक्सचर ये रेडी हो चुका है, सो दैट इसको हम अच्छे से मिक्स करके तो यहाँ पे मैं इसकी लेयरिंग कर दूँगी गाइस। तो यहाँ पर मेरा ये पार्ट इसमें लग चुका है, तो ये अच्छी सी मस्त बर्फी बन चुकी है गाइस। सो यहाँ पे मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है गाइस, तो मैंने इसको पिंक वाले पार्ट को ऊपर लग कर दिया है। तो देखिए ये अच्छे से इसका एक परफेक्ट मार्केट जैसा बर्फी बन चुका है ये। एंड सो इसको अच्छे से मैंने ऐसे शेप दे दी है। सो इधर मैं चांदी का वर्क लगा दूंगी गाइस इसके अंदर ऊपर। तो यहाँ मैंने चांदी का वर्क इसमें ऐड कर दिया है, लगा दिया है। एंड जो पिंक पार्ट इसका बचा है उसका मैं एक लड्डू बना लूंगी गाइस। तो यहाँ मैंने प्लेटिंग कर दी है अच्छे से। तो ये था मेरा आज का स्पेशल मंडे और यहाँ भी मैं चांदी का वर्क लगा दूंगी। सो ये था आज हैप्पी मंडे और यहाँ कुछ स्पेशल मैंने इस तरीके से बनाया। तो आप लोगों को कैसा लगा गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। और यहाँ मैंने पिस्ता लगा दिया था इसमें थोड़ा थोड़ा सा। और इधर मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं गाइस। यहाँ मेरे चावल बॉईल हो रहे हैं गाइस, तो लंच की तैयारी है अब अच्छे से। और उधर गैस पे मैंने सूप रखा है। तो यहाँ मेरे चावल बॉईल हो चुके थे गाइस। सो इधर मेरा प्लेटिंग रेडी है। तो ये था मेरा आज का स्पेशल मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।